ट्रू बीकन, दोनों के को-फाउंडर निखिल कामत इस समय जुड़ रहे हैं। निखिल, आपको याद होगा कि कुछ महीनों से इंडियन इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को कंजर्वेटिज्म की तरफ ध्यान रखने के लिए ये बोलते आए हैं यहाँ पे 18 देश पे भी। निखिल, गुड मॉर्निंग, आप एकदम फिट लग रहे हैं। पहले बाजार के पहले जरा अपने फिटनेस रिज्यूम के बारे में भी कुछ हमें टिप्स दीजिए सुबह सुबह। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ट्राई करता हूँ जितना हो सके जिम जाऊं, हफ्ते में शायद 3-4 बार। एक्सेलेंट, ये जरूरी है। इनफैक्ट यहाँ 18 पे लगातार अपने ट्रेडर व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को बोलते रहते हैं कि स्ट्रेस ना लें ज्यादा, और अपनी सेहत पे भी उतना ही ध्यान दें, उतना ही सीरियसली लें जितना आप पोर्टफोलियो और अपनी पोजीशंस को लेते हैं, क्योंकि लॉन्जिविटी और हेल्थ ज़रूरी है। अगर आपको कंपाउंडिंग के पूरे बेनिफिट और पूरा मज़ा लूटना है तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी होगा। चलिए बाजार के बात करें, आपका कॉशियस और अल्ट्रा कॉशियस स्टांस अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है या अभी भी आप अपना प्रीवियस कॉशियस स्टांस बाजार पर होल्ड किए हुए बैठे हैं? तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बदला नहीं है मार्केट में कि वो स्टांस बदलना चाहिए। आई थिंक इन्फ्लेशन इज स्टिल एज बिग अ प्रॉब्लम एज इट वाज अ फ्यू मंथ्स अगो, और लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन कभी जाने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ये प्रॉब्लम 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक तो रहेगा। तो स्टांस अभी भी कॉशियस है। मेरे ख्याल से ये जो हमने थोड़ा रिकवरी देखा है, ना कि सिर्फ इंडिया में बट नैसडैक में भी, लास्ट 3-4 डेज हैव बीन वेरी गुड इन अमेरिका, एस्पेशली फॉर टेक कंपनीज, आई डोंट थिंक इट हैज मच लेग्स। मेरे ख्याल से ये लॉन्गर ट्रेंड को बदलेगा नहीं, एंड स्टिल आई थिंक देयर इज पेन अहेड। ये तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंशिएटेड व्यू दे रहे हैं कि ये पुल बैक रैली हो सकती है। अभी आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं है ये रीबाउंड देख के। निखिल, बैंक ऑफ अमेरिका का जो मंथली फंड मैनेजर सर्वे आता है जिसमें वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फंड मैनेजर्स को कुछ बातों पे क्विज करते हैं हर महीने जानने के लिए, वो ये भी दिखा रहा है कि फुल कैपिटुलेशन मोड है, हाईएस्ट कैश लेवल्स हैं लार्ज फंड मैनेजर्स के 10 साल के हाईएस्ट लेवल्स तक, और बहुत ज़्यादा कॉशन है। यूजुअली ये एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेटर नहीं होता आपकी राय में? नहीं, यूजुअली जो आप बोल रहे हैं कि कैश ज़्यादा है और कॉशन ज़्यादा है, दैट शुड बी अ बुलिश इंडिकेटर, बट मुझे ऑन ग्राउंड ऐसा इतना कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक आई स्टिल सी प्लेंटी ऑफ रूम फॉर करेक्शन इन मेनी ऑफ द स्टॉक्स। आई थिंक द लेवल ऑफ बेरिशनेस हैज मे बी गॉन डाउन। अगर आप मार्केट को ओवरऑल देखें तो लास्ट 15-20 दिन में इट हैज बिकम क्वाइट। जितना ऊपर नीचे, हाउ मच यू वर हियरिंग अबाउट दोस 3% अप डेज, डाउन डेज, वो बहुत कम हो गए हैं। तो मे बी वी विल स्टे इन अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन फॉर द नियर फ्यूचर, बट ओवरऑल आई स्टिल रिमेन बायस टुवर्ड्स द बेरिश साइड। राइट, मॉर्निंग निखिल, प्रियंका यर, जिस तरह से हम आपको सुन रहे थे, आप ये कह रहे थे कि बियरिश टोन जरूर थोड़ा कम हुआ है, जो बायसनेस थी वो शायद थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी पेन अहेड है। लेकिन क्या ये इंडिकेटर्स किसी तरह की ग्लूमी पिक्चर इंडिकेट करते हैं? इफ आई दो इट इज टू अर्ली टू से, सिर्फ 3rd दिन ही है और ज्यादा बहुत बड़ी बाइंग भी नहीं है, लेकिन 3 दिन से एफ आईज टर्न आउट हुए हैं बायर्स। डी आईज ने तो खैर हमेशा बाजार को सपोर्ट किया है। इनफैक्ट डी आईज नहीं होते तो इंडियन मार्केट्स शायद उतनी गिरी होती जितनी बाहर की दूसरी मार्केट्स भी गिरी हैं। लेकिन कहीं से आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर सुधरते हुए एटलीस्ट डोमेस्टिकली दिख रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है? अब तक तो मेरे ख्याल से नहीं। अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें तो हर महीना बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट नंबर्स आर गोइंग अप एवरी मंथ, इन्फ्लेशन डज नॉट सीम टू बी स्लोइंग डाउन एनी टाइम सून, और इवन ग्रोथ के एंगल से आई डोंट सी एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ग्रोथ। सो आई डोंट थिंक द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली इनफ टू चेंज माय परव्यू ऑफ द मार्केट और माय आउटलुक ऑफ द मार्केट। बिल्कुल निखिल, गुड मॉर्निंग मानसी दिस साइड। अगर SIP के डेटा को देखें, एंड अ बिग टिप इज सिर्फ कह सकते हैं, ऐसे में पिछले 1 साल से SIP के डेटा जो हैं उसमें मजबूती हम देख रहे हैं। इनफैक्ट राइट नाउ जो ताज़ा डेटा MFI के आते हैं, रिकॉर्ड लेवल्स पर, नियरिंग रिकॉर्ड लेवल्स हम इन्हें देख रहे हैं। इक्विटी के भी अगर फ्लो पिक्चर को देखें, 16 straight months है जहां पर इन्फ्लोज जो हैं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में रिटेल निवेशकों के लिए फोकस एरियाज कहाँ होंगे? I think SIP is a great product. Retail, jab tak, you know, they don't dwell into small cap and mid cap, and they don't try to catch too much of a return too fast.
Over the long term, I'm still fairly upbeat about the market beating inflation and being able to deliver 10-11% kind of returns. So I think SIPs are a great product. Agar koi blue chip fund mein har mahine kuch invest kare, I think 5-10 years down the line, they will be better off than having put that money in a fixed deposit or any other asset class, which is traditionally considered to be a lower risk vehicle. निखिल, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ट्रू बिकिन में आपने लास्ट 6-8 महीने में किस तरह के पोर्टफोलियो बदलाव किए, क्या आपका जो व्यू है इस समय बाजार में क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ज़्यादा कंजर्वेटिव हाई कैश फ्लो लो डेट जैसी कंपनीज की तरफ? आपने भले ही आप एग्जैक्ट कंट्रीब्यूटर्स मत बताइए, लेकिन थोड़ा हिंट दीजिए कि आपने किस तरह के थीम्स वहाँ पर लेके रखे हुए हैं कि इस समय को आप आराम से राइड थ्रू कर सकें. तो ट्रूबीकिन में हमारा मैंडेट है निफ्टी 50 में ही रहना, तो वी डोंट बाय एनी कंपनीज आउटसाइड ऑफ निफ्टी 50. इन दोज 50 कंपनीज आईटी हैज अंडरपरफॉर्म्ड, सो वी हैव गॉटन अ लिटिल बिट ओवरवेट आईटी अगेन. एंड बैंकिंग सेक्टर भी हम बुलिश हैं बैंकिंग सेक्टर के हित में, बट आउटसाइड ऑफ दैट ओवरऑल ऑन द फंड लेवल वी आर स्टिल 50% हेज्ड. So if the markets go up 10 and we make 6%, we are happy. And if the markets go down 10 and we lose 4%, we are happy. That's the risk profile, right? In fact, if I'm not wrong, aap mujhe sahi kar sakte hain agar main galat puch raha hu, ki aapka jo target audience hai TrueBeacon mein, wo ek particular level ke upar hi, halaki PMS ke jo norms hain, usse bhi aapne uske filter ko bahut upar kar rakha hai, shayad kuch couple of crores बियॉन्ड ही आप लेते हैं इन्वेस्टमेंट, और आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड व्यू अपने नहीं देते हैं. जो आपके साथ क्लाइंट्स का फिट बैठता है मैंडेट, आप उसी तरह के क्लाइंट्स को वेलकम कर रहे हैं. किस तरह की बातचीत हो रही है आपकी अपने क्लाइंट से लास्ट कुछ महीनों में बाजार को लेके? हाँ बिल्कुल, तो हमारे ख्याल से ये है कि इवन इफ यू कैन बीट द निफ्टी, let's assume Nifty will do 10% a year, even if you can get a 2% or 3% alpha over the long term, jab aap compound karein, those 2-3% add up to a lot over a 5-10 year period. Agar aap 12% a year return de sakte hain, to you know every 6 years you double your money, and I think that's a stellar return. Market mein zyadatar problem kya hota hai ki jab retail aate hain, there are many people in the market jo ne bolenge ki you can double your money in 6 months, you can make 10% return a month and stuff like that, and you know this is not logically possible. So the first thing any new investor who comes into the market should do, I think, is calibrate expectations. Unhe market ko ye dekh ke aana chahiye ki hum yahan pe 12% 15% kama sakte hain, वर्सेस ये ऐसी जगह है जब हम अपना पैसा यू नो मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज़ व्हेन यू कम इन विद द इंटेंशन ऑफ मल्टीप्लाइंग फास्ट, मोर ऑफ्टन देन नॉट आप इतना रिस्क लेंगे कि और इतने लोगों के पास जाएंगे हु प्रॉमिस दैट, मोस्ट ऑफ्टन इट डज नॉट वर्क आउट. आई थिंक जो कहते हैं ना कि इफ एनीथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू इज जनरली नॉट रियल, तो आई थिंक यू शुड यूज द सेम लॉजिक फॉर ऑल द टिप्सटर्स, ऑल द टेलीग्राम चैनल्स, all the people who say put money today and you know like 6 mahine mein double ho jayega, that is not possible, and I don't think retail investors should fall for that. Ye baat batai, in fact Nikhil, aap hamare viewers ko bhi ek bahut hi important point ki taraf unka attention draw kar rahe hain. Mere director sahab ne abhi ek data share kiya, main aapse share karna chahunga ki India has more Dream 11 users, 12 crore Dream 11 users hain, jabki demat accounts hi 9 crore hain जो 96 से खुले थे. ये हाल है एक ओवरऑल आज की जनरेशन का कह लीजिए, या जिस हिसाब से एनवायरनमेंट बन रहा है कि शॉर्टकट या गेट रिच क्विक का जो एक टिल्ट है, शायद बाजार भी कहीं ना कहीं उसको उसमें ऐड करता है, लेकिन आपको बैलेंस वे में बाजार लेने की ज़रूरत है, बाजार के सारे फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को. इसीलिए ट्रेडिंग में ओवरडू मत कर लीजिए. तो 15-16% एक अच्छा हर्डल रेट है आपके हिसाब से अगर एक डिसेंट साइज पोर्टफोलियो ओवर अ लॉन्गर टर्म बेसिस? मेरे ख्याल से 12% भी बहुत अच्छा रिटर्न है. आई थिंक एज लॉन्ग एज यू कैन बीट इन्फ्लेशन विद अ 2-3% मार्जिन, अगर आप रिस्क को कंट्रोल कर सकें, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट रिटर्न. 15% इज लाइक अ एक्स्ट्रॉर्डिनरीली गुड रिटर्न ओवर अ 10-20 ईयर पीरियड. Right, absolutely. Nitin,
अगर यहाँ पर अब हम बुलिशनेस की बात करें तो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आप बुलिश हैं? दो आपका व्यू कॉशियस है, वी अंडरस्टैंड दैट, वी टेक दैट, लेकिन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको इस एनवायरनमेंट में भी या फिर गोइंग फॉरवर्ड टफर एनवायरनमेंट में भी आपको प्रॉमिसिंग लगते हैं? तो फुल डिस्क्लोजर, आई होल्ड सम इक्विटी इन दिस मल्टीप्लेक्स ओनरशिप, जो पीवीआर है, आईनॉक्स है एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक फॉर द लैक ऑफ अ बेटर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज इन इंडिया, अगर आप एक मूवी थिएटर जाके 3 घंटे एंटरटेन हो सके एंड यू नो यू गेट टू ईट पॉपकॉर्न एंड यू हैव अ एसी एंड यू हैव अ सेफ एनवायरनमेंट, आई थिंक इट्स something that does not have a replica right now. So I'm upbeat about that sector overall. I think consumer spending will go up when GDP per capita goes up. And companies which benefit from that, I'm generally bullish about. Like PVR example, for example, jo aapki screen. Okay, Nikhil, one last thing. Kyunki hum trading ko discuss bhi kar rahe hain, trading discipline ko aap kaise define karte hain, hum janna chahenge. Well, I would say first thing, don't have crazy expectations. Don't try to make 40-50% because then you're very likely going to lose money. Second thing would be do not leverage. Kabhi leverage jitna ho sake use na kare. Human psyche is such that jab hum dusron ke paise se invest kar rahe hain or when we are levered up, we tend to make more wrong decisions than we would otherwise. Because that time, you know, jaise ki jab normally stock girta hai, people are able to wait till it recovers. With leverage, you're not able to do that. So definitely stay as far away from leverage as possible. And thirdly, and most importantly, I think sabhi ko ye realization hona chahiye ki nobody can predict the market. Not me, not another expert. Koi nahi janta ki kal kya hoga. So plan your portfolio in a manner where अगर मार्केट्स 10% ऊपर जाए, 10% नीचे जाए, इफ दे स्टे इन अ रेंज, थिंक दैट ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबिलिटीज एंड देन फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो यू वुड वांट वर्सेस ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कल क्या होगा. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप निखिल हमसे बात करने के लिए आज शॉर्ट नोटिस पे और बहुत ही ज्यादा अपने पर्ल्स ऑफ विजडम हमारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए. आपका व्यू मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ कि अभी भी आप कॉशियस हैं, थोड़ी सी डिग्री ऑफ कॉशन कम हो गया है, ये इतना चेंज आया है. बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ ग्रेट डे अहेड. निखिल कामत, ट्रूबी.